औरैया जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम भरथना निवासी एक महिला की एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सकों पर गलत उपचार का आरोप लगाते हुए कहा कि महिला को खून की कमी थी, मगर डॉक्टरों ने उसी हालत में उसका उपचार कर दिया। परिजनों ने बताया कि इलाज में सबसे पहले महिला को खून चढ़ाया जाना था, मगर डॉक्टरों ने उसे खून न चढ़ाकर सीधे ऑपरेशन कर दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जनपद इटावा थाना भरथना के ग्राम गिरधारीपुरा निवासी श्वेता तिवारी पत्नी गौरव तिवारी गर्भवती थी और वह उपचार कराए जाने के लिए अपनी ननद के यहाँ आई हुई थी। उनका उपचार औरैया मंडी समिति के समीप स्थित एक अस्पताल में किया जाना था। शुक्रवार सुबह श्वेता तिवारी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि महिला को खून की कमी है और उसे खून चढ़ाया जाना है। इस पर परिजनों द्वारा खून चढ़ाए जाने की बात स्वीकार कर ली गई, मगर डॉक्टरों ने बिना खून चढ़ाए महिला का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के दौरान श्वेता तिवारी ने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची को जन्म देने के बाद अचानक महिला की हालत बिगड़ गई। इस पर डॉक्टरों ने उसे आनन फानन में इटावा रेफर कर दिया। अजीतमल के निकट पहुंचते ही महिला ने दम तोड़ दिया। इस पर परिजन वापस उसे नर्सिंग होम ले आए और उन्होंने वहां हंगामा करना शुरू कर दिया। घटना की सूचना पाकर कोतवाली पुलिस व एएसपी कमलेश दीक्षित व सीओ सिटी सुरेंद्रनाथ और सीएमओ मौके पर पहुंच गए। वहीं सीएमओ ने मौके पर पहुंचकर नर्सिंग होम को सील करने की बात कही है। जानकारी मिली है कि किसी नर्सिंग होम में किसी महिला का ऑपरेशन द्वारा बच्चा हुआ था, तो उसकी डेथ हो गई, इसीलिए जानकारी। क्योंकि पहले तो अभी सील करते हैं, सील करके जो मरीज है उनको शिफ्ट कर दिया है जिला अस्पताल में, और सील करके उसके बाद जाँच करेंगे। बताया जाता है कि श्वेता तिवारी अपनी ननद आरती दुबे पत्नी अनिल दुबे के यहाँ पर आई हुई थी। श्वेता तिवारी के सेपुर एक 7 वर्षीय एवं दूसरी 4 वर्ष की बेटी है। मौत की खबर पाकर मृतक के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि परिजनों के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। डिलीवरी का केस आ गया था, जैसे कि ये रहने वाले भरथना के हैं। आज इनका जब डिलीवरी से पहले रिपोर्ट में 7 इनका आया था हीमोग्लोबिन, उसके पश्चात भी डॉक्टर द्वारा सर्जरी की गई। बताया जाता है कि दिवियापुर से डॉक्टर ब्रजेश यादव आए थे सर्जरी के लिए, और उसके पश्चात उनकी पोजिशन बिगड़ी है। परिवार ने यह बताया गया कि इनके द्वारा लापरवाही बरती गई, दूसरी सर्जरी थी और बिना पूरे प्रकाशन लिए हुए इनके द्वारा किया गया है। संपूर्ण तथ्यों की जाँच की जा रही है। FIR इनके द्वारा अभी एक आवेदन दिया गया है, FIR दर्ज किया जाएगा और जो भी दोषी होगा उसके लिए।